आपके बच्चे जो है फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कभी घर में गेम खेल रहे हो या किसी से कन्वर्सेशन हो रही हो और जैसे ही हारना शुरू करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन जो है दिखाने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ होता है बच्चों साथ? तो ये कुछ काम कर, सबसे पहला कि बच्चों को ये चीज़ सिखाइए कि फेलियर हमेशा नहीं रहता है, हार के बाद ही जीत होती है। तो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए, जिस भी चीज़ में हारे हैं तो दोबारा से अपॉर्चुनिटी दीजिए उनको ताकि वो जीतने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, जानबूझ के उन्हें जिताइएगा नहीं ताकि कि उनका गुस्सा शांत हो, उन्हें खुद से जीतना आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। दूसरा काम आप ये करिए, खुद को एग्जांपल रखिए कि आप भी जो है हारे हैं, आप भी फेलियर बने हैं, तो उस फेलियर को आपने कैसे संभाला, उसे अपने साथ टैग मत लगाइए कि मैं फेलियर हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उसको मेरे को जीत में बदलना है, उसके लिए मैंने क्या मेहनत करी, कैसे मेहनत करी, अपने एग्जांपल को सेट करिए। तीसरा काम जो है ये याद रखिए, कई बार बच्चे फेल होते हैं या हारते हैं किसी भी चीज़ में तो हम लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये काम मत करिए। जब भी बच्चा सामने हार रहा है या हारा है तो वहाँ पर उसे चिढ़ाना नहीं है हम लोगों को, तो बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना है। नेक्स्ट काम आप ये कर सकते हैं कि बच्चों को सोशल स्टोरीज़ जो है वो सुना सकते हैं ताकि बच्चे उनकी मॉरल से जो है सीखें कि फेलियर जो है वहाँ एंड नहीं होता, उसी के बाद जो है हमारी लर्निंग शुरू होती है और वही हमारा जीत का कारण भी बनता है। जब भी बच्चा जो है किसी चीज़ में हारा है या पीछे रहा है तो वहाँ उसे मजाक उड़ाने या बच्चे को बार बार बताने की बजाय कि आप यहाँ फेल हुए, फेल क्यों हुए, इसके बजाय अगर बच्चे को ये बताया जाए कि वो फेल क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ उसकी गलती हुई, तो नेक्स्ट टाइम उसमें सुधार आएगा, तो है वो अपने फेलियर को हो सकता है एक्सेप्ट करे एज अ लर्निंग के तौर पर। जब भी आप कंपटीशन करवा रहे हैं तो याद रखिए ये कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन जो है या चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन जो है वो उसकी फीलिंग को जो है हर्ट करे।